हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग जिसका नाम है अगार। तो ये अगार होता क्या है? ये अगार का नाम आपने सुना होगा या तो इस अगार को आपने यूज भी किया होगा इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बनाने के लिए, बैक्टेरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया बनाने के लिए इस अगार को आपने यूज किया होगा। तो ये अगार होता क्या है, मीन्स ये हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिस अगार को आप यूज करते हैं उसका क्या प्रिपरेशन मेथड है और इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी जेलिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट मीडिया, जो सॉलिडिफाई न्यूट्रिएंट मीडिया जो बनता है, सॉलिडिफाई होता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया, वो इस अगार की वजह से होता है। तो उस अगार में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से उसकी जेलिंग प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से दिखता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसके बाद किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, जांच सकते हैं उसमें किसी तरीके का मिलावट को, किसी तरीके का अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है उसको हम चेक कर सकते हैं और उसके क्या फार्मास्यूटिकल यूज है और अदर उसके कमर्शियल यूज। तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस अगार को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये अगार का सिनोनिम्स क्या होता है, इसको हम वेजिटेबल जिलेटिन भी बोलते हैं, इसको अगार अगार भी बोला जाता है या इसको जापानीज इसिन ग्लास भी बोला जाता है। तो ये अगार जो है हमको कौन से सोर्स से ऑप्टेन होता है, कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये होता क्या है? तो अगार इज अ ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस व्हिच इज ऑप्टेन बाय द कंसंट्रेटिंग द डिकॉक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी, मीन्स डिफरेंट जो रेड एल्गी के जो स्पीसीज होते हैं उसका डिकॉक्शन, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉइल किया जाता है और उसी को कंसंट्रेट करते हैं और ड्राई किया जाता है और उसी ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस को अगार कहा जाता है। और ये डिफरेंट जो रेड एल्गी की जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि जेलिडियम एमानसी फ्रॉम द फैमिली जेलिडिएसी, उसके बाद दूसरा ग्रेसिलेरिया फ्रॉम द फैमिली ग्रेसिलेरिएसी और टेरोक्लेडिया फ्रॉम द फैमिली जेलिडिएसी। तो ये है जेलिडेसी फैमिली से जेलिडियम एमानसी टेरोक्लेडिया के डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, तो इससे जो है हम अगार को ऑप्टेन करते हैं और बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पस के लिए, मीन्स न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने के लिए जो अगार यूज किया जाता है वो जो है हमको जेलिडियम एमानसी और टेरोक्लेडिया स्पीसीज से ऑप्टेन होता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अगार। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस तरीके से इस अगार को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अगार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या किया जाता है, जो ओशंस में जो बैम्बूस को या पोल्स को क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है और बैम्बूस या पोल्स को ओशंस में जो है उसके कोस्टल एरिया में उसको स्प्रेड करने के बाद क्या वो करते हैं, उसमें जो एल्गी है वो उस बैम्बूस में जो पोल्स में वो ग्रो होते हैं। अब जब इस बैम्बूस या पोल्स में ये एल्गी जो है ग्रो होते हैं, विग्रसली ग्रो होने के बाद क्या किया जाता है, उन बैम्बूस को कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसमें से जो एल्गी है उस एल्गी को स्क्रैप आउट कर लिया जाता है। और ये जो कलेक्शन है हम लगभग मई से अक्टूबर के बीच में हम करते हैं, उसके बाद स्प्रेड कर लिया जाता है, मीन्स जो रेड एल्गी हमने जो कलेक्ट किया है उसको स्प्रेड करने के बाद उसको ड्राई करते हैं सनलाइट में और उसके बाद उसको शेक किया जाता है। ड्राई करने के बाद शेक करते हैं टू रिमूव द शेल्स सैंड एंड एक्सेट्रा, मीन्स अदर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, सैंड हो गया, शेल हो गया, तो उसको रिमूव किया जाता है शेक करके। और शेल हो गया, सैंड हो गया या अदर फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने के बाद उसको अगेन वॉश किया जाता है टू रिमूव द सॉल्ट एंड अदर इम्प्यूरिटीज और उसके बाद उसको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करते हैं बाय यूजिंग ब्लीचिंग एजेंट और बाय द एक्सपोजर द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करके उसको ब्लीच किया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, उस एल्गी को फिर अगेन बॉयल करते हैं विद द एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें एसिड ऐड किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, उस रेड एल्गी को एसिडिफाइड वाटर के साथ बॉयल किया जाता है। HCl कंटेनिंग वाटर जिसमें 1 part एल्गी होता है तो 60 part उसमें वाटर होता है और लगभग कि उसमें उसको 5 से 6 घंटे के लिए हम उसको बॉयल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है, अगर कोई भी ड्रग सब्सटेंस को अगर हम वाटर के साथ उसको बॉयल करते हैं तो वो जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है उसको हम डिकॉक्शन बोलते हैं। तो ये एसिडिफाइड वाटर के साथ बॉयल करने के बाद उसमें उसका जो डिकॉक्शन प्रिपेयर होता है, मीन्स जो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर होता है उसको क्या किया जाता है, फिल्टर कर लेते हैं जब वो गर्म होता है, मीन्स उसको गर्म ही उसको फिल्टर कर लिया जाता है बाय यूजिंग फिल्टरिंग मीडिया और उसके बाद उसको हम एक वुडन ट्रफ में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, वुडन ट्रफ में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जो म्यूसिलिजिनस जो एक्सट्रैक्ट है, जो म्यूसिलिजिनस जो डिकॉक्शन है वो क्या होते हैं,
वो जो है ठंडा होने के बाद जेली फॉर्म हो जाते हैं, जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेली फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको रेक्टेंगुलर शेप में उसको कट कर लिया जाता है, सॉलिड पीसेस रेक्टेंगुलर जो है शेप में उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने के बाद उसको क्या करते हैं, उन पीसेस को फिर पास किया जाता है अंडर प्रेशर, मतलब उसको फोर्सफुली जो है पास करते हैं थ्रू द वायर नेटिंग। वायर का नेट होता है, उससे हम इस सॉलिड पीसेस को पास करते हैं विद प्रेशर। तो जिससे क्या होता है, जिससे नैरो जो है स्ट्रिप्स जो है पतली पतली जो है स्ट्रिप्स जो है वो हमको मिलता है। मीन्स पतली पतली जो स्ट्रिप्स मिलती है उस जेल को जब हम पास करते हैं थ्रू द वायर नेटिंग, और ये जो नैरो स्ट्रिप जो बना है उसको अपन क्या करते हैं, उसको ड्राई किया जाता है। उस स्ट्रिप्स को ड्राई करते हैं इन द सनलाइट, और सनलाइट में ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें अगेन जो कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव किया जाता है बाय फ्रीजिंग, थॉइंग एंड अगेन ड्राइंग एट 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि उन स्ट्रिप्स में जो है मॉइस्चर को रिमूव करते हैं डायरेक्ट सनलाइट के बाद, उसको क्या किया जाता है, उसको फ्रीजिंग किया जाता है, उसको डीप फ्रीजिंग करते हैं। डीप फ्रीजिंग से क्या होता है, डीप फ्रीजिंग से उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसको थॉइंग करते हैं। थॉइंग मतलब क्या होता है, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो मॉइस्चर है, जो आइस में कन्वर्ट हो गया है, उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और अगेन फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं तो स्ट्रिप्स को एट 35 डिग्री सेल्सियस टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द स्ट्रिप। तो इस तरीके से उस एगर को हम ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद क्या किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगार को प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो अगार है, इस अगार का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है जापान में। जापान के अलावा इसको और भी जगह इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, स्पेन, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, यूएसए और इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अगार को प्रिपेयर किया जाता है कहाँ पे, एट द कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ये हो गया अगार का प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसका जो कलर होता है, जो है इसका कलर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड शेप ऑफ द एगार। मीन्स या स्ट्रिप फॉर्म में है, या वो फ्लैक्स फॉर्म में है, या पाउडर फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर डिपेंड करता है। ये येलोइश ग्रे से येलोइश व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका ऑर्डर, ऑर्डरलेस होता है। और इसका टेस्ट क्या होता है, मीन्स अगार को जब टेस्ट किया जाता है तो इसका टेस्ट म्यूसिलिजिनस होता है, मतलब कि ये लसदार होता है, जिसको हम म्यूसिलिजिनस बोलते हैं इंग्लिश में। अपीयरेंस क्या होता है, तो अपीयरेंस ये स्ट्रिप जो है जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, लस्टरस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका शेप क्या होता है, तो डिफरेंट शेप्स होते हैं, या तो स्ट्रिप फॉर्म में होता है, या तो शीट्स के फॉर्म में होते हैं, या फ्लैक्स के फॉर्म में होते हैं, या तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये कोर्स पाउडर के फॉर्म में होता है ये अगार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है अगार में। तो अगार में हेटरोपॉलीसेक्राइड होता है, हेटरोपॉलीसेक्राइड होता है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो अगार है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के अंदर आता है, इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। हेटरोपॉलीसेक्राइड्स मतलब की होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ सुगर यूनिट मिलके ये पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, और हेटरोपॉलीसेक्राइड्स मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर डिफरेंट शुगर यूनिट मिलके वो पॉलीसेक्राइड बना है तो उसको हेटरोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। तो एगार में हेटरोपॉलीसेक्राइड होता है। तो इसमें जो दो मेन जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो है एगारोस एंड एगारोपेक्टिन। एगारोस एंड एगारोपेक्टिन आर द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन पॉलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द एगार। और ये जो एगारोस है, ये एगारोस क्या है, ये न्यूट्रल गैलेक्टो पॉलीमर होता है, मतलब कि इसमें गैलेक्टोस शुगर का इसमें पॉलीमर होता है, और ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि इसमें सल्फेट जो है ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, फ्री फ्रॉम सल्फेट होता है एज कम्पेयर टू एगारोपेक्टिन। और ये एगारोस की वजह से ही क्या होता है, ये जेलिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि जो एगार जो है वो जेल में फॉर्मेशन होता है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ये जो अगार होता है, इस अगार की जेलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से ये जेल में कन्वर्ट होता है, तो ये जो अगार है ये ठंडे पानी में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है ठंडे पानी में, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होता है, बट ये जो बॉइलिंग वाटर में ये अगार जो है क्या होते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। और जब ये इसको जब ठंडा किया जाता है, इसके सॉल्यूशन को, बॉइल सॉल्यूशन को जब ठंडा करते हैं तो ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को तो इस एगार की ये जो जेलिंग प्रॉपर्टी होती है, जेल में जो कन्वर्ट हो जाता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एगारोस। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एगारोपेक्टिन। एगारोपेक्टिन जो कि क्या होते हैं, सल्फोनेटेड पॉलीसेक्राइड होते हैं। सल्फोनेटेड मतलब कि इसमें
सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं, इसमें गैलेक्टोज एंड यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि स्टेरिफाइड होता है विद द सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इस एग्रोपेक्टिन जो कि क्या है, पॉलीसेक्राइड है जो कि गैलेक्टोज और यूरोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है बाय द स्टेरिफिकेशन विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन। मीन्स जो ये अगार सोल्यूशन है ये विस्कोसिटी जो इसकी होती है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एगारोपेक्टिन। तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अगार। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इस अगार को कहां कहां पे इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकली और इसका कमर्शियल यूज। इसके अलावा इसका केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इस तरीके से इस अगार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन एंड एडल्टरेशन और इस सब्स्टिट्यूशन एंड एडल्टरेशन को किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है, जांचा जा सकता है उसको हम बताएंगे और इसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, कह सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ एगार। मींस एगार को इवैल्यूएट करने के लिए, जांचने के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट वैल्यूज, एसिड इन सोल्यूबल ऐश, सल्फेटेड ऐश, फॉरन ऑर्गेनिक मैटर, स्टार्च, लॉस ऑन ड्राइंग, मिस मॉइस्चर कंटेंट, ये इसकी स्टैंडर्ड लिमिट दी गई है। तो इसको डिटरमाइन करके हम इसकी वैल्यूज को हम इन स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर करके हम एगार की क्वालिटी को, उसकी प्यूरिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि एसिड इन सोल्यूबल ऐश वो कितना होना चाहिए, वो नॉट मोर देन 1%, 1% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और स्टार्च एब्सेंट होना चाहिए, मतलब जब उसको आयोडीन टेस्ट लगाया जाए तो आयोडीन टेस्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, जो क्या इंडिकेट करेगा, स्टार्च उसमें एब्सेंट है। और नेक्स्ट सल्फेटेड ऐश, सल्फेटेड ऐश क्या होता है, मतलब कि जब एगार को जब बर्न किया जाता है इनटू ऐश, राख में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका जब सल्फेटेड ऐश को डिटरमाइन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो नॉट मोर देन, एनिमल मीन्स नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ऐश वैल्यू जो है हमको ये बताता है उसमें इम्प्योरिटीज जो है अगर प्रेजेंट होगा तो ऐश वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है, अगर कोई सैंड या सिलिका या अदर कोई इम्प्योरिटीज है। तो लॉस ऑन ड्राइंग मतलब कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट जो है नॉट मोर देन 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। फॉरन ऑर्गेनिक मैटर नॉट मोर देन 1%। तो ये हो गया डिफरेंट स्टैंडर्ड लिमिट्स जिससे हम एगार की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, इसकी प्योरिटी को चेक किया जा सकता है, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एगार को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एगार। मीन्स किस तरीके से केमिकल टेस्ट लगा के हम एगार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग गम, जैसे कि ट्राइकोकैंथ हो गया, अकेशिया है, जिलेटिन से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग दिस केमिकल टेस्ट। सबसे पहले एगार, तो एगार लगभग हम 1.5 ग्राम लेते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं अबाउट 100 ml और जब उसको बॉयल किया जाता है, बॉयल करते हैं उसके बाद उसको कूल किया जाता है एट द रूम टेम्परेचर में, जब उसको ठंडा करते हैं तब वो स्टिफ जेली, जेल को फॉर्मेशन हो जाता है, स्टिफ जेली बन जाता है और यही क्या है, ये एगार की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एगार को हम जब रुदेनियम रेड सॉल्यूशन जो है ऐड करते हैं, तो एगार में जब रुदेनियम रेड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो म्यूसिलेज प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा कलर आता है, उसमें पिंक कलर आता है। तो इस टेस्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एगार को फ्रॉम द ट्राइकोकैंथ एंड अकेशिया। मीन्स ट्राइकोकैंथ और अकेशिया है ये जो है रुदेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ कोई कलर नहीं देता है, बट एगार जो है रुदेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ रेड या पिंक कलर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एगार सॉल्यूशन, लगभग हम 0.2% सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद उसमें टैनिक एसिड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। टैनिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करने पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए, अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है इसका मतलब कि उसमें जिलेटिन प्रेजेंट है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता है इसका मतलब उसमें जिलेटिन एब्सेंट है। तो इससे हम प्यूरिटी को चेक कर सकते हैं कि अगर में जिलेटिन की मिलावट है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एगर सॉल्यूशन में जब आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो डीप क्रिम्सन टू ब्राउन कलर हमको ऑप्टेन होता है। तो डीप क्रिम्सन टू ब्राउन कलर, ये से हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एगार को फ्रॉम द अकेशिया एंड ट्राइकोकैंथ। किस तरीके से, आयोडीन सॉल्यूशन जब हम अकेशिया में डालते हैं तो कोई भी कलर ऑप्टेन नहीं होता है, बट इस स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन को जब ट्राइकोकैंथ में ऐड किया जाता है तो ग्रीन कलर ऑप्टेन होता है, बट अगार में जब स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो क्रिम्सन से ब्राउन कलर ऑप्टेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जब डाइल्यूट एक्सीएल डालते हैं, डाइल्यूट एक्सीएल डालने के बाद जब उसको बॉइल किया जाता है, बॉइल करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
एक पार्ट में डाला जाता है 10% NaOH और फैलिंग सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं, दूसरे पार्ट में हम बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो 10% सॉल्यूशन जिसमें डाले हैं NaOH का और जिसमें फैलिंग सॉल्यूशन ऐड किया, तो उसमें रेड कलर ऑब्टेन होता है। रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर गैलेक्टोज। हमने आपको बताया था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एगार में उसमें गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज के पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेरियम क्लोराइड, जिस पार्ट में हम ऐड किए हैं, तो जिस पार्ट में हम बेरियम क्लोराइड के वहां उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और ये बेरियम सल्फेट कैसे बना, तो ये बेरियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट इसलिए बना क्योंकि इस एगार में हमने आपको बताया था इसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है। एगारोस में सल्फेट आयन प्रेजेंट होने की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। और इस टेस्ट से हम जो है इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एगार को फ्रॉम द अकेशिया स्टार्च एंड ट्रैगरकैन, मीन्स अकेशिया स्टार्च और ट्रैगरकैन में ये जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। के बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो टेस्ट है एगार में KOH सॉल्यूशन जब ऐड किया जाता है तो कैनरी येलो जो है प्रोड्यूस होता है, कैनरी येलो कलर। तो ये हो गया केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड एडल्टरेंट। सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्टरेंट्स मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एगार के बदले में ऐसे दूसरे सब्सटेंस को यूज करना, दूसरे ड्रग को यूज करना जो उसी के जैसे दिखता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्या उसका सब्स्टिट्यूट है एगार का। और दूसरा एडल्टरेंट्स, एडल्टरेंट्स क्या होते हैं, एडल्टरेंट्स मतलब कि जो सब्सटेंस हम एगार में मिलावट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको एडल्टरेंट कहते हैं और प्रोसेस को एडल्टरेशन कहा जाता है। तो जिलेटिन और डेनिश एगार को यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट एंड एडल्टरेंट। जिलेटिन को यूज करते हैं एज एन एडल्टरेंट, मिला दिया जाता है एगार में, मिलावट कर दिया जाता है इस जिलेटिन से एगार में, और डेनिश एगार एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। तो किस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं, चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ है या उसमें कोई मिलावट कर दिया गया है जिलेटिन का। तो अगर इस एगार में जिलेटिन का अगर मिलावट कर दिया गया है तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं, तो किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, जांचा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एगार सॉल्यूशन लेते हैं, सैंपल सॉल्यूशन लेने के बाद उसके 1% सॉल्यूशन बनाया जाता है। एगार का 1% सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें 1% ट्राइनाइट्रोफिनॉल ऐड करते हैं, इक्वल वॉल्यूम, मतलब कि इक्वल वॉल्यूम हम लेते हैं एगार सॉल्यूशन का और इक्वल वॉल्यूम लेते हैं हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल का। उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसमें अगर टर्बिडिटी और या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है, जिलेटिन प्रेजेंट है, मींस जिलेटिन की उसमें मिलावट है। अगर कोई टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट नहीं बनता है इसका मतलब उसमें जिलेटिन का मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से हम एगार की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, जिलेटिन के प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेनिश एगार। तो डेनिश एगार ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है जो हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या होता है, इट इज वन ऑफ द क्लास ऑफ रेड एल्गी, और उससे जो ऑप्टेन होता है एगार उसको हम डेनिश एगार बोलते हैं। ये जो इंडिजिनस होता है डेनमार्क का, और ये डेनिश एगार जनरली यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द जापानीज एगार। तो हमको इस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, तो इसकी जो एश वैल्यू होती है वो 16.5 to 18.5% होता है। तो एश वैल्यू निकाल के इसका मतलब कि डेनिश एगार को अगर जब हम बर्न करते हैं, मीन्स हम जब अगार का सैंपल हमारे पास जो है तो अगर चेक करना है कि वो डेनिश अगार है या जापानीज अगार है, तो उसको जब हम बर्न करते हैं इनटू द एश कम्प्लीटली, उसको राख में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका जो एश वैल्यू आता है वो है 16.5 to 18.5%। तो इसका मतलब वो क्या है, वो डेनिश अगार है, जापानीज अगार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जेलिंग स्ट्रेंथ। तो जेलिंग स्ट्रेंथ जब उसका देखा जाता है तो डेनिश अगार का जो जेलिंग स्ट्रेंथ होता है वो आधा होता है, हाफ होता है एज दैट ऑफ जापानीज अगार। तो ये हो गया किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट और एडल्टरेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं बाय दिस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल एंड कमर्शियल यूज ऑफ एगार। कहाँ कहाँ पे इसको फार्मास्यूटिकली यूज किया जाता है और कमर्शियली कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो फार्मास्यूटिकली इसको यूज करते हैं डिफरेंट ऐसा फार्मास्यूटिकल एड इसको यूज किया जाता है, डिफरेंट प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कमर्शियल यूज में डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। वही शुरू करते हैं, तो सबसे पहला हमने यहाँ पे यूज लिखा है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसको यूज करते हैं इन द बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब क्या होता है, मीन्स
जो हम लिक्विड कल्चर मीडिया बनाते हैं, उस लिक्विड कल्चर मीडिया को सॉलिड फॉर्म में, जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट डालते हैं। और वो सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या यूज किया जाता है, एगार यूज करते हैं। मीन्स एगार को हम बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया में ऐसा सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है। उसके बाद जेल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट, इसको यूज करते हैं। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन इसको ऐसे सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाता है। एज अ बल्क लेक्सेटिव यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्रोनिक मतलब कि जो लंबे समय तक जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस एगार को यूज करते हैं एज अ बल्क लेक्सेटिव। बल्क लेक्सेटिव क्या होता है, बल्क मतलब कि किसी का अमाउंट जो है लार्ज होता है, तो उसको हम बल्क बोलते हैं। तो बल्क लेक्सेटिव मतलब क्या होता है, बल्क लेक्सेटिव मतलब ये जो एगार है, ये एगार को जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये बल्क हो जाता है। बल्क में हो जाता है मतलब कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद जो स्टूल होता है वो क्या हो जाता है, वो लिक्विफाई हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो इजीली जो है पास आउट होता है फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। तो ये हो गया इसका द मेडिसिनल यूज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जिलेटिंग एजेंट। मिस फ्रेंड, जो सपोजिट्रीज है, सपोजिट्री के प्रिपरेशन या पैसिडीज के प्रिपरेशन में ऐसा जेलिंग एजेंट इसको यूज करते हैं। जेल फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है इस एगार को। के बाद नेक्स्ट आते हैं इट इज यूज्ड एज अ टैबलेट एक्सिपिएंट, मींस एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। मींस टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए इनसाइड अवर जीआईटी ट्रैक इसको एज अ डिसइंटीग्रेटिंग यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट में यूज करते हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। इसको एज अ डेंटल इंप्रेशन माउल्ड बेस यूज करते हैं, मतलब कि ये जो है डेंटिस्ट जो है इस अगार को यूज करते हैं माउल्ड बेस बनाने के लिए, डेंटल इंप्रेशन के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। मीन्स जेल फॉर्मेशन के डिफरेंट जो कॉस्मेटिक्स होते हैं जो जेल फॉर्म में होते हैं, तो एज अ जेलिंग एजेंट इस एगार को यूज किया जाता है। और इसको हम फूड इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। एज अ थिकनिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं। थिकनिंग एजेंट मतलब कि किसी भी चीज को, कोई फूड मटीरियल हो गया, कोई अदर सब्सटेंस हो गया, उसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए एज अ थिकनिंग एजेंट हम इसको एगार को यूज करते हैं। बहुत से ऐसे फूड इंडस्ट्रीज में फूड प्रिपरेशन के लिए, कॉन्फेक्शनरीज के लिए, आइसक्रीम जैसे कि पेस्ट्रीज हो गया, कैंडीज हो गया, जेलीज हो गए, डेयरी जितने प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंट डेजर्ट्स हो गए, तो अदर और कॉन्फेक्शनरीज के में प्रिपरेशन के लिए फूड इंडस्ट्रीज में इस एगार को यूज किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट, एज अ जेलिंग एजेंट। उसके बाद इसको यूज किया जाता है इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन। मीन्स इस एगार में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एगरोस, इस प्योर एगरोस को आइसोलेट किया जाता है, और इस प्योर एगरोस को हम यूज करते हैं प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, मीन्स प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइजिंग फॉर सिल्क एंड पेपर। मीन्स पेपर के साइजिंग के लिए, सिल्क के साइजिंग के लिए हम एगार को यूज करते हैं। ये साइजिंग मतलब क्या होता है, मीन्स पेपर और सिल्क की साइजिंग की जाती है। मीन्स उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम ऐसे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, वो क्या करता है, वो जो है पेपर और सिल्क के जो स्ट्रेंथ है, सिल्क फैब्रिक उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको वाटर रेजिस्टेंस बनाता है, और साथ ही जो है उसको जो है प्रिंटेबिलिटी को, पेपर की प्रिंटेबिलिटी वो बढ़ाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को साइजिंग बोलते हैं। तो हम एगार को यूज करते हैं फॉर द साइजिंग ऑफ सिल्क एंड पेपर। तो इसके बाद नेक्स्ट है डाइंग एंड प्रिंटिंग। मीन्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट फैब्रिक्स और टेक्सटाइल के डाइंग और प्रिंटिंग के लिए भी इस एगार को यूज करते हैं। साथ ही इसको सर्जिकल लुब्रिकेंट्स, ऐसे सर्जिकल लुब्रिकेंट्स इसको यूज किया जाता है, और इसको यूज किया जाता है ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल एंड कमर्शियल यूज ऑफ एगार। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बिरेन्सा एंड एके सेट से, और फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कुबाटे से। थैंक यू।